हेलो दोस्तों, आई विल बैक टू माय न्यू वीडियो, जिसमें आज हम लोग एक नई रिपेयर करने वाले हैं एलईडी बल्ब। देख सकते हैं ये 9 वोट का एलईडी बल्ब है, आपको दिख रहा होगा। तो 9 वोट का एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें डिम एलईडी जल रहा है। डिम देख सकते हैं, इसमें पहले से ही कोई रिपेयर कर चुका है, 2 एलईडी निकाल चुका है। हम लोग इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने सीरीज लैंप बनाया था। अगर आपको ये वीडियो देखने का है तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देखिए, मैं इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ, एसी वोट देख सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसको पावर दे दिया। देखो, इसमें डिम एलईडी जल रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत डिम जल रहा है। लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। देखिए, एलईडी डिम जल रहा है, देख सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसके लिए हम लोग ने एक वायर लिया है इस तरह से, उसको एसी चालू कर देंगे। इसको बनाने से पहले बोल दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। देखिए, पहले हम लोग बारी बारी करके एलईडी का प्लस माइनस को शॉर्ट करेंगे, सब एलईडी को। जिससे जलने लगा वो एलईडी ख़राब है। तो इस तरह से चेक कर रहे हैं, अब इसको चेक करते हैं। देख सकते हैं ये एलईडी से जल रहा है, लगता है कि यही ख़राब है। देखिए, एक बार और शॉर्ट करता हूँ मैं, देख लीजिए इस तरह से जल रहा है। चलो, अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको आप शोल्डर से चाहे तो शोल्डर से निकाल सकते हैं। देखिए, ये मेरा शोल्डर है 25 वोल्ट का, इससे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर पेचकस या किसी नोखीले की चीज़ के ज़रिए से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, निकालते समय ध्यान रखने का है कि शोल्डर आपके हाथ में ना लग जाए। देखिए, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, निकल गया है। हम लोग इसमें सोल्डिंग करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस शॉर्ट कर देंगे शोल्डर से। देख सकते हैं, मैं इस तरह से लिया हूँ, इसको दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, ये शॉर्ट हो रहा है, हो गया। रात को 10 बजे में वीडियो बना रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के ऊपर। देख सकते हो, इस तरह से हो गया है। अब हम लोग इसको वापस से पावर सप्लाई ऑन करके देखेंगे होता है कि नहीं। देखिए, मैं इसको पावर सप्लाई दे दिया और देख सकते हैं एलईडी चालू हो चुका है। अब समझ गए कि इसमें हुआ क्या था। एलईडी डिम जलने का कारण यही होता है कि ऊपर से कोई एक एलईडी ख़राब हो या फिर डिम हो गया होगा कुछ पावर। देख सकते हैं इस तरह से, मैं आपको लाइट ऑफ करके भी दिखा देता हूँ, जल चुका है, देख लीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि हमारा एलईडी बन चुका है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर करना और जैसा लगा कमेंट करके बताने का, और मेरे चैनल को नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।